तो सेंसस का रियल डेफिनेशन क्या है ये हम स्लाइड नंबर वन में देखेंगे. पॉपुलेशन सेंसस स्लाइड नंबर वन. या सो वहां पे आपको मॉन्टेक सिंह सॉरी प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट इज गेटिंग इन गेटिंग देमसेल्व्स एनुमरेटेड इन 2011 सेंसस. These photos were taken in 2010 itself because 2011 census exactly started in 2010 itself. 2010 में ही census शुरू हुआ था तो वो time में वो photos लिए गए थे. Definition वहाँ पे है. देखिए population census is the total process of collecting, compiling, analyzing or otherwise disseminating demographic, economic and social data pertaining at a specific time of all persons in a country or a well-defined part of a country. As such, the census provides a snapshot of the country's population and housing at a given point of time. Of course, ye definition, this is the official definition of the census. I have differences, but I will come to those differences later part. Later part mein main un cheezon ke bare mein baat karunga. Pehle government kya kehti hai, ye hum dekhenge. Then the second slide. Census gives us lot of information. And that information coming to us by door to door enumeration, by lakhs of teacher enumerators, lakho teachers, ghar ghar pe jaake, har insan ka, har shahri ka, balki not shahri ka, har insan ka, is muluk mein jo bhi hai, uska data lenge, leke, phir usko census अलग अलग जगहों पे उसको रिफाइन करती है, एनालाइज करती है, एनालाइज करके आपको डेमोग्राफिक डेटा देगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेटा देगी, लिटरेसी एंड एजुकेशन, हाउसिंग एंड हाउसहोल्ड एमिनिटीज, अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी, मोर्टैलिटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में मोर स्पेसिफिक डेटा ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब देंगी. उसके बाद लैंग्वेज, रिलीजन, माइग्रेशन के बारे में डेटा देंगी. तो ये पूरा वॉल्यूमिनस voluminous information about the country's population. इस मुल्क में इस मुल्क के हर इंडिविजुअल का बहुत सारा डेटा ये लोग इकट्ठा करेंगे. ये काम 1872 से हो रहा है जैसे मैंने बताया था. तो उसके बाद थर्ड स्लाइड में ओनली सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा एट विलेज, टाउन एंड वार्ड लेवल. हर घर तक डेटा लेंगे ये. तो यही एक डेटा है जिसके वजह से इस मुल्क में प्लानिंग बनती है, जिसके वजह से इस मुल्क की पॉलिसीज इवॉल्व होते हैं, जिसके वजह से इस मुल्क में तहफ़ुज़ात जैसे कि रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसके वजह से इस मुल्क में ज़रूरतों के हिसाब से स्कूल्स बने जाते हैं, रोड्स बने जाते हैं और हर तरह का प्लानिंग जो है इसी के वजह से होता है. तो ये इससे मैप्स भी बनते हैं. मैप्स से एडमिनिस्ट्रेशन को सहूलत हो जाती है. तो ये डेटा को अलग अलग एजेंसीज अलग अलग तरह पे यूज़ करेंगे. यूज़ करके देन जो सहूलतें गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए वो सहूलतें बनाने की कोशिश करेंगे. देन वी विल कम बैक अगेन टू दी थर्ड स्लाइड. 1872 में जो पहला सेंसस इस मुल्क में ब्रिटिश इंडिया ने ब्रिटिश के क्वीन की तरफ से जो किया था वो सिर्फ चंद स्टेटों में किया गया था, जैसे कि बंगाल ओल्ड बंगाल विच वॉज नॉट डिवाइडेड, अभी जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल जो भी है, वेस्ट बंगाल और बिहार और सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सब मिला के पुराना बंगाल था. वो पुराने बंगाल में सेंसस हुआ था और चंद प्रिंसली स्टेटों से ब्रिटिश गवर्नमेंट का एग्रीमेंट था. तो वो एग्रीमेंट के मुताबिक मद्रास प्रेसिडेंसी माने अभी जो आंध्रा कोस्टल एपी है, कोस्टल एपी का चंद पार्ट और तमिलनाडु, कर्नाटका का थोड़ा सा हिस्सा, ये पूरा मिला के मद्रास प्रेसिडेंसी में था. तो मद्रास प्रेसिडेंसी में भी सेंसस हुआ था. तो पूरा सेंसस 1872 में नहीं हुआ बल्कि 1881 में पूरा सेंसस इस मुल्क में हुआ था. और उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में 1851 में पहला सेंसस हुआ. नाउ इन दैट सीरीज ये जो अभी सेंसस जो चल रहा 2011 का सेंसस, दिस इज़ दी सेवेंथ वन. बट आंध्र प्रदेश फॉर्म होके 1956 में आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ था, द
So this is sixth census in Andhra Pradesh. Then census kaise ho raha, kya ho raha, kitne phases mein ho raha, ye cheez hum dekhenge uske baad ke slide mein. Next please. Wo chand photos hai. This is the first phase. So unlike the previous census, isse pehle jo census hue is muluk mein 2001 mein jo hua, mane har 10 saal mein ek baar census hota hai. To ye 1951 se leke 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 and this is 2011. 2011 ka census is in two phases. Do tarah, mane do phases pe 2011 ke census ho rahe the. To first phase last year ho gaya tha, April 24, 2010 se leke June 10, 2010 tak first phase hua tha. Isme house listing mane kitne ghar hain, कितने लोग रहने की जगह कितने हैं, जनवासालु बोलते तेलुगु में, रेजिडेंशियल प्लेसेस इंग्लिश में, रेजिडेंशियल प्लेसेस जाके वो रेजिडेंशियल प्लेसेस में सेंसस हाउसेस कितने हैं, माने हाउसेस आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स, कमर्शियल हाउसेस, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, ऐसे अलग अलग है. तो उसमें से सेंसस हाउसों को आइडेंटिफाई करके वो सेंसस हाउसों को क्या क्या इम्यूनिटीज है, वो इम्यूनिटीज को ये लोग इन्यूमरेट करे थे 2010 में. तो 2010 में हाउस लिस्टिंग हुआ था और उसके बाद जो है हाउस लिस्टिंग के साथ साथ पहली बार इस मुल्क में पॉपुलेशन रजिस्ट्री, माने हर जो इंसान इस मुल्क में है उसकी उसका डेटा बैंक बनाने की एक कोशिश शुरू हुई थी एनपीआर के नाम से, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री के नाम से. तो वो भी इस मुल्क में पहली बार शुरू हुआ था. तो उसका भी एनपीआर का भी 2010 में ही काम खत्म हो गया. लेकिन एनपीआर से इस मुल्क में हर इंसान को एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जिसका हमारे मेरे से पहले साहब जो बात कर रहे थे नाम सेंसस होता है इस मुल्क में कैसे काम करता है ये देखें. तो सेंसस का हेड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस और सेंसस कमिश्नर बोलते हैं इसको. इस ऑफिस इज लोकेटेड इन औरंगजेब रोड दिल्ली, यूपीपीएससी की यूपीएससी की जहां आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के सिलेक्शंस जो होते हैं, एग्जाम कंडक्ट करती हैं यूपीएससी, उनके ऑफिस के सामने है ये ऑफिस. उसके बाद सेंसस डायरेक्टर्स, माने हर स्टेट का सेंसस जो सेंसस का जो हेड है सेंसस डायरेक्टर कहते हैं. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल एक्ट एज ए प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर. देन द चार्ज ऑफिसर विल बी द लोकल एमआरओ. और उसके बाद जो है एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर सुपरवाइजर्स वगैरह वगैरह, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट. सेंसस एक्टिविटी आंध्र प्रदेश में देखा जाए 2011 के 23 डिस्ट्रिक्ट्स में 1128 मंडल्स में 353 टाउन्स, म्यूनिसिपल टाउन्स एज वेल एज मेजर पंचायत टाउन्स एंड 27,800 विलेजेस में हो रहे हैं. 1.87 ब्लॉक्स, 1.87 लाख ब्लॉक्स में ये सेंसस हो रहा है. एस्टिमेटेड हाउस होल्ड इज 225 लाख्स ऑफ हाउस होल्ड आर गोइंग टू बी एन्यूमरेटेड इन दिस 2011 सेंसस. नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज अबाउट द मटेरियल पार्ट. देन वी हैव ए स्लाइड ऑन फ्लो ऑफ मटेरियल्स. दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट. ये पूरा काम करने के लिए ट्रेनिंग प्रोसेस इज नेसेसरी एंड दैट ट्रेनिंग प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड इन दिस विजुअल. यू कैन सी द विजुअल ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस. जस्ट आई एम स्किपिंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई वोंट थिंक दे आर मच इंपॉर्टेंट, बट बिकॉज ऑल दिस मटेरियल विल बी सप्लाइड टू यू इन द लेटर पार्ट. You can skip this slide also. Now we can come to the overview of this household schedule. आज से छः महीने पहले, छः से आठ महीने पहले ये household schedule का हो चुका था, लेकिन household schedule का मैं schedule आपको supply करूँगा. उसमें
it is also having around 29 questions. It deals with infrastructure facilities. जो भी घरदार है आपका, वो घरदार कैसे बना हुआ है, कच्चा घर है या पक्का घर है, रोड फैसिलिटी कैसी है कैसी नहीं है, खाने का पीने का पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अगर पीने का पानी नहीं मिल रहा तो कैसे पानी आप यूज़ कर रहे हैं, ड्रेनेज फैसिलिटी है या नहीं है, ऐसे सब चीज़ों का उन लोगों ने डिटेल्ड डेटा लिया है उसमें. उसके बाद घर में अंदर की क्या फैसिलिटी है, टॉयलेट है कि नहीं है, बाथरूम है कि नहीं है, अगर टॉयलेट है तो कैसी टॉयलेट है, वो चीज़ों भी लिया है. और उसके बाद आपके सहूलतें क्या क्या है घर में, टीवी है, रेडियो है, फ्रिज है, बाइसिकल है, टू व्हीलर है और फोर व्हीलर है, इनका भी उन्होंने डेटा लिया है. और फ्यूल, खाना रसोई में क्या कौन सी फ्यूल आप यूज़ करते हैं, माने कोयला यूज़ करते हैं, लकड़ी यूज़ करते हैं, गैस यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. सो ऑल दिस डिटेल्स दे गैदर्ड. अपना खानदानी नाम या पेशावरी नाम अगर नहीं लिखेंगे तो वो रिजर्वेशन से आईडेंटिटी कार्ड मिलेगा. अगर वो नेशनल आईडेंटिटी कार्ड में आपका पेशावरी नाम नहीं रहेगा तो क्योंकि यहाँ पे जब आप नाम लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में नाम है, नाम जब लिखते हैं रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश, बट यहाँ पे मोहम्मद अफजल खान लिखा हुआ है, मोहम्मद इज पार्ट ऑफ इंडिया है. तो अगर आप कंप्लीट नाम मोहम्मद अफजल खान कंप्लीट नाम लिखेंगे तो लिव द लेटर पार्ट, लेकिन पहले पार्ट के हिसाब से आपको बीसी सर्टिफिकेट मिलता है विदाउट स्पेलिंग, विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स. प्रॉपरली लिखने के लिए यू हैव टू फोर्स आपके घर में जो भी लोग हैं उन सब के नाम सही तरीके से उसको नोट करने के लिए आप हेल्प करें. और वी हैव एनीबॉडी इन योर हाउस होल्ड इज हैविंग डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के टाइप्स लिखे गए हैं शेड्यूल में, देयर आर अराउंड 6 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज. मदर टंग का डेफिनेशन सेंसस में ये कहा गया है कि जो भी जगहों पे ऐसा होता है कि इवन तेलंगाना के चंद इलाकों में मैंने देखा था बहुत सारे जगहों पे ये होता है, तो हो सकता है कि मौलाना ऐसे उर्दू इदारों से निकलने वालों को जल्दी से नौकरी भी मिल सकती है, उर्दू स्पीकिंग एम्प्लॉयज इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. सो इट्स एन इनडायरेक्ट डिमांड, इट्स नोन. नोन डजंट मीन दैट यू आर एबल टू रीड एंड राइट, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड. तो ये डेफिनेशन. So when the enumerator came over, our people just signed it and enumerator drawn an inference that this fellow is illiterate. So those whosoever above 18 years in the last census were enumerated as literates. That's why 64% of Muslims in Andhra Pradesh were literate in the previous census, whereas only 58% of others are literate. अगर लिटरेसी में हमारा जो शेयर अगर बढ़ जाएगा देन ऑटोमेटिकली अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर नॉट एजुकेशनली बैकवर्ड. इफ लिटरेसी रेट इज हायर इन योर कम्युनिटी यू कैन नॉट क्लेम दैट यू आर ए बैकवर्ड कम्युनिटी. सो देयर इज अ ट्रिकी थिंग इन दिस लिटरेसी डेफिनेशन. लिटरेसी डेफिनेशन में जो ट्रिकी थिंग है उसको हम समझबूझ के जवाब देना है. तो सिर्फ साइन करने से वन कैन नॉट बी ए लिटरेट. द डेफिनेशन इज क्लियर एंड इट इज सेइंग दैट दोज हूसोएवर रीड फर्स्ट देन राइट देन अंडरस्टैंड, दैट मींस ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज रीडिंग एंड ही शुड बी एबल टू राइट व्हाट ही वाज रीडिंग, देन ही शुड बी एबल टू राइट. चंद लोगों को उर्दू में बात करना आता है, लिखना नहीं आता, जैसे मैं हूं. चंद लोगों को लिखना आता है और बात करना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, जैसे बहुत सारे अपने लोग हैं जिनको सिर्फ साइन करना आता है, क्योंकि लिटरेसी 100% लिटरेसी प्रोग्राम के तहत इस मुल्क में सिर्फ साइन करना सिखाया गया था, तो उसी के मुताबिक इस मुल्क में सब लोग बहुत सारे लोग लिटरेट हो गए. और लिटरेट होने से दे वर केप्ट ए साइड ऑफ द गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ एफर्मेटिव एक्शन. सो आस्क योर पीपल इफ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर राइट what they are writing, then only they should get as they should note themselves as literate. Then aur ek tricky question literacy mein aur ek second part ye hai ki
India is a multilingual country, multilingual society, and we have official 18 official languages. A person who is forced to travel from Assam to, say, Kerala, he will become virtually illiterate if he don't know Kerala, if he don't know Malayalam. Har signboard Malayalam mein rahega, aapko English nahi aayengi, aap sirf Urdu ya Arabi padke rahenge. What about your position in Kerala? Say, what about your position in Andhra Pradesh? If you don't know the local language. So hamari debate government se chal rahi hai, ki we are demanding government to change the definition. At least local language agar malum ho, padhna likhna agar local language mein kar sakta hai, to usko hi aap literate banaiye. Nahi to na banaiye, ye hamari demand hai. Then economic activity. Economic activity mein har insaan ki is mulk mein jo bhi reh raha hai, har insaan, not shahri, har insaan ki economic activities is mulk ki un logon ko profile banaya jayega. Main workers, marginal workers aur non workers, teen category ke banaye jayenge. Main workers, those who are, iski definition ye hai ki those who are getting employment, some kind of economic activity, some kind of payment for their activity more than 100 days per year. 100 din se zyada agar kaam mein agar jate hain to wo main workers hai, aur 100 din se kam jate hain to wo marginal workers hai, aur jo कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा ऐसे काम में लगे हुए हैं तो वो नॉन वर्कर्स है. फॉर एग्जांपल, मैं मेरे नेबर के घर में जाके ट्यूशन बोलूँगा तो मैं वर्कर हूँ. मेरे घर में मैं ट्यूशन बोलूँगा मेरे बच्चों को, बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चे भी मेरे घर पे आएंगे, मेरे बच्चों के साथ उनको भी बोलूँगा तो नॉन वर्कर. अगर बाजू वाले के घर पर जाके बोलूँगा, अगर वो पैसे भी ना दे तो मैं वर्कर. This sort of tricky things were involved in these things, but enumerator कोई भी ये चीज़ आपको नहीं पूछेगा, वो अपने हिसाब से लिखता चला जाएगा. अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर थोड़ा सा जहमत लेके अपने लोकैलिटी में लोगों को इन चीज़ों के बारे में इनलाइटन करेंगे तो हो सकता है कि सही डेटा हमारा बाहर आएगा, तो उससे हमको कॉन्स्टिट्यूशनल फैसिलिटीज मिल पाएंगे. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में दूसरा पार्ट भी है, क्लास ऑफ वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉई, सिंगल वगैरह वगैरह. तो इस पर भी मेरा क्रिटिसिज्म है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको. देन गो फॉर माइग्रेशन पार्ट, द नेक्स्ट थिंग, ट्रैवल टू प्लेस ऑफ वर्क. नहीं, उससे पहला वाला. हाँ, या तो ये सिर्फ माइग्रेशन को नोट करने के लिए, माने वर्क के लिए, काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते उनका डिटेल नोट करने के लिए ये प्रोफाइल बनाया गया था. देन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो ये क्या कर रहे हैं, कितने दिन ये कैनवासिंग चलती, कितने दिन ये लोग एनुमरेट करेंगे, उन चीज़ों के बारे में है ये. देन 2011 में, 11 के सेंसस में क्या नया है, इन चीज़ों को यहाँ पे दिया गया था. पहली बार 2001 में सिर्फ स्कैनर्स यूज किए गए थे, तो इसी वजह से स्कैनर्स से डेटा लेके लोगों को मैन्युअली एनालाइज करके, माने मैन्युअली विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर एनालाइज करके देने के लिए उनको 4 साल लगे. माने 2001 में एन्यूमरेशन हुआ तो द फर्स्ट डेटा वी गॉट इट इन 2004. प्राइमरी सेंसस डेटा 2004 में हमको मिला, 4 साल लगे थे. तो ये साल 2011 के सेंसस में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एवरीथिंग इज डन बाय द कंप्यूटर एंड इट इज़ डन बाय ऑनलाइन. सिर्फ स्कैनर मिरर इमेज बनाएगा तो उसके बाद वो कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर पूरा बायफरकेट, माने पहले ही उसमें सॉफ्टवेयर फिट, प्रोग्राम फिट किया हुआ रहता है, वो प्रोग्राम के हिसाब से वो पूरा एनालाइज कर लेके. ऑन 25th of March 2011 द प्राइमरी सेंसस डेटा इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड इन दिस कंट्री. देखिए 25th of March, माने मार्च 5 तारीख को यह सेंसस ख़त्म हो रहा है, मार्च 25 तारीख को डेटा, प्राइमरी डेटा आपके सामने है 20 दिन में. दैट्स द न्यू थिंग ऑफ 2011 सेंसस. तो ये पूरा इस वजह से ऐसे पॉसिबल इस वजह से है कि वी आर यूजिंग हाई एंड टेक्नोलॉजी. देन हाउस होल्ड शेड्यूल में इससे पहले जो किया गया था उसमें एक छोटा सा चेंज ये है कि इससे पहले हाउस होल्ड शेड्यूल, माने हर कोई शेड्यूल में जेंडर जो है सिर्फ दो ही होते थे, तो ये बार जेंडर, तीसरा जेंडर को ऐड किया गया था इस सेंसस में. दैट्स ए न्यू थिंग, क्योंकि गे फ्रीडम का कानून आ चुका है, बहुत डिलिब्रेशन हुए हैं, और उसके साथ साथ जो मिडिल सेक्स का
جو ڈیمانڈ ہے ان کو آئیڈینٹی کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی گورنمنٹ نے قبول کر لیا ہے تو وہ چیز نہیں ہے. ڈیٹ آف برتھ کا کوشچن پہلی بار دیا گیا. دین کرنٹ میرٹل, اس سے پہلے صرف میرٹل اسٹیٹس بول کے رہتا تھا, آج اس کو چینج کیا گیا کرنٹ بول کے. دین ایس سی ایس ٹی کو فردر بائیفرکیٹ کرنے کے لیے کچھ ماڈیولس چینج کیے گئے تھے. دین 7 سال سے اوپر بچے اسکول پہ جا رہے ہیں. امپیکٹ, دس از دیٹ مسٹ بی دی سیکنڈ سلائڈ. Identification of backward communities in Madras Presidency and providing affirmative action. پہلا سینسس 1872 کا جو سینسس ہے اس سے اس ملک میں پہلی بار پسماندہ طبقوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا اور اس سے مدراس پریزیڈنسی کے تحت چند کمیونٹیز کو ریزرویشن دیا گیا تھا. دین اسٹڈی آف کاسٹ سسٹم ان برٹش انڈیا, اسٹڈی آف لینگویج بیریئرس, جیوگرافیکل اینڈ ڈیموگرافیکل اسٹڈی, انڈومنٹس, وقفس اینڈ وقفس اینڈ ایریاز آر دی باؤنڈریز آف دی اسٹیٹس. وقف کی بھی پہلی اسٹڈی برٹش انڈیا میں سینسس نے کیا تھا. تو دین اکنامک ایکٹیویٹی آف ڈفرینٹ پیپل اینڈ اکانمی ٹو میٹ دی ریکویسٹ, یہ سب کامیں برٹش کوئن کی ضرورتوں کے لیے برٹش انڈیا کے لیے کیے گئے تھے. تو اس سے پوسٹ انڈیپینڈنس میں برٹش والے جو سینسس کیے تھے اس سے کیا امپیکٹ پڑا یہاں دیکھے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. ریزلٹس, یا کاسٹ آئیڈینٹی موومنٹس 1901 سے لے کے 1931 تک اس ملک میں کاسٹ موومنٹس آئے تھے, جس کے وجہ سے ہر کاسٹ نے یہ کلیم کیا کہ ہم پسماندہ ہے, ہم کو ریزرویشن دیا جائے. وہ حساب سے بہت سارے کمیونٹیز کو اور کاسٹوں کو ریزرویشن دیا گیا تھا. 1901 سے 1921 معنی دو سینسس پیریڈ, 1911-1921 دو سینسس پیریڈ میں اپر کاسٹ کمیونٹی کے لوگ اس ملک میں لوئر کاسٹ کے لوگوں کو اپنے ساتھ انیومریٹ کرنے کے لیے انکار کیا گیا تھا. معنی ہندو کمیونٹی میں ڈفرینٹ کمیونٹیز ہے تو اس میں شودرا کمیونٹیز کو اور انٹچبلس کو ان لوگوں نے اپنے ساتھ انیومریٹ کرنے کے لیے انکار کیا. تو اس وجہ سے اینٹی برامن موومنٹ اس ملک میں شروع ہوئی تھی اور وہ جا کے 1901 سے 1910 میں مسلمانوں کو سپریٹ الیکٹوریٹ ملا. اسی کے وجہ سے اینٹی برامن موومنٹ شروع ہوا اور 1931 میں پونا پیکٹ کے تحت ایس سیز نے سپریٹ الیکٹوریٹ مانگا اور وہ جا کے آج انڈیپینڈنٹ انڈیا میں ایس سیز کو ریزرویشن اسی کے وجہ سے مل رہا تھا. دین 1931 میں ان لوگوں کی انکاری کی وجہ سے 1931 کا سینسس جو ہے پہلی بار کاسٹ کے نام سے, کاسٹ کے بائیفرکیشن سے سینسس ہوا تھا اور اسی کے بنیاد پہ آج بھی کاسٹ کے نام سے اس ملک میں ریزرویشن دیا جا رہی ہے, ریزرویشن دی جا رہی ہے. اور 1931 اور 1941 میں یہ پورے اس ملک میں سول ڈسوبیڈینس موومنٹ ہوا تھا اور اس کا امپیکٹ 1931-1941 سینسس پہ گرا. دین 1941 میں سینسس کیے گئے لیکن ٹیبولیٹ نہیں ہوئے. پھر بھی پہلا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 1931 کے سینسس پہ بیس ہو کے پہلا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس ملک میں مدراس ہائی کورٹ کے تحت ہوا تھا, وہ ریزرویشن دینے کے لیے کاسٹ کے نام سے ریزرویشن دینے کے لیے ہوا تھا. دین فری انڈیا میں فرسٹ سینسس ہوا تھا 1951 میں. 1952 میں اپنے پہلے پرائم منسٹر صاحب جو ہے کاسٹ کے نام سے سینسس کرنا روک دو بول کے انہوں نے رکوایا. اسی وجہ سے آج تک کاسٹ کے نام سے سینسس نہیں ہو رہے بلکہ ریزرویشن کاسٹ کے نام سے اس ملک میں دیا جا رہا تھا. اور پہلا بی سی کمیشن 1952 میں بنایا گیا تھا اور اس کا ریفرنس بیکورڈ کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا اور انفارچونیٹلی بیکورڈ کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے سینسس کا ڈیٹا موجود نہیں رہنے سے بیکورڈ کاسٹ کو بیکورڈ کلاسز بول کے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش ہوئی تھی پہلے بی سی کمیشن کے رپورٹ میں, جس کا نام کاکا کلیئر کر رپورٹ کہا جاتا ہے, لیکن وہ ریجیکٹ کر دیا گیا. اور اس کے بعد دین ویل کم ٹو دی آبجیکٹیو ان فری انڈیا. آبجیکٹیو ان فری انڈیا
स्लाइड या नहीं 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 इसके बाद वाला इसके बाद यस सप्लाई ऑफ डेटा टू मीट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस ऑफ गवर्नेंस इवॉल्व फ्रॉम टाइम टू टाइम. हर 10 साल में एक बार इस मुल्क में जो ज़रूरतें हैं गवर्नेंस के जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डेटा चाहिए, वो डेटा सप्लाई करना सेंसस का रेस्पॉन्सिबिलिटी है. ये फॉर एग्जांपल रिवीजन ऑफ एससी एंड एसटी लिस्ट. हर 10 साल में एक बार एससी एक्ट ये कहता है कि हर 10 साल में एक बार वो लिस्ट को रिवाइज करना चाहिए. बीसी एक्ट भी ये कहता है कि हर 10 साल में एक बार बीसी लिस्ट को रिवाइज करना चाहिए, लेकिन इस मुल्क में 60 साल से एससी एक्ट ना एसटी एक्ट माने एससी लिस्ट और एसटी लिस्ट रिवाइज नहीं हुई. वैसे ही 30 सालों से बीसी लिस्ट इस मुल्क में रिवाइज नहीं हुई. इस वजह से रिवाइज नहीं हुई कि डेटा नहीं है. देन फाइनलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल एससी एंड एसटी पॉपुलेशन की फाइनलाइजेशन करना ये डेटा पे भी बेस है, लेकिन वो भी काम नहीं हो रहा. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान शेम. हर 5 साल में एक बार हम लोग प्लान बनाते हैं और 12th प्लान अभी पार्लियामेंट के सामने जल्दी में आने वाला है. 11th प्लान तो ख़त्म होगा. ये प्लान बनाने के लिए भी ये डेटा बहुत ज़रूरी है. देन एफर्मेटिव एक्शन. स्टेट जो एफर्मेटिव एक्शन देती है अंडर आर्टिकल 14 अंडर आर्टिकल 15 16 340 341 342 उसके लिए भी ये डेटा ज़रूरी है. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी ये डेटा ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले बताया था. तो इकोनॉमिक कंडीशंस को इवॉल्व करने के लिए इस मुल्क में इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशंस कैसा है, एजुकेशनल कंडीशंस कैसा है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए और उसको एड्रेस करने के लिए ये डेटा बहुत ज़रूरी है. बट कहाँ तक सेंसस इन चीज़ों को मीट कर पाई, इधर से बिग क्वेश्चन विच आई विल डील. नाउ आप अचीवमेंट देखें. In 1961 socio economic survey in 331 villages, सिर्फ उतने villages में study हुई थी, लेकिन mandate में census के mandate में ये है कि it is supposed to study every till ward level, it is supposed to study, but it could not study in 1961. They are able to study only 331 villages. Out of that they did special studies in 150 handicrafts, fairs and festivals of this country and 255 ethnographic studies, that is studies belongs to caste system. Ethnographic studies माने communities के जो rituals कैसे होते हैं, उन लोगों का रहन सहन कैसे होता है उनके बारे में study है, और उन लोगों के religious beliefs कैसे होते हैं उनके बारे में studies को ethnographic studies कहते हैं. सिर्फ 255 ethnographic studies 61 में हुए थे. और उसके नीचे देखिए re-study of the same to assess the impact of 5 years plan, लेकिन वो complete नहीं हो पाया. They were able to complete only 77 till the end of 1981 census. Then they are able to do only 26 urban studies in 71 to 81 period. Then 81 period mein phir handicrafts ke study kiye the, sirf 41 handicrafts ke study kiye the to know the impact of the planned plan upon the handicraft communities. Aur humko ye bhulna nahi hai ki Muslims in Bihar, UP, Bihar, some part of Madhya Pradesh and Bengal are basically related to handicraft industry. Or 1960 या 1970 अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाले तो 1970 के बाद handicrafts पे क्या impact पड़ा, उसकी कोई भी study इस मुल्क में हमारे पास मौजूद नहीं है.